हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुलजार एंड यू गाइज आर वाचिंग गुल रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइज फाइनली जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ गई है और ऑफिशियली वर्ल्ड कप का आज से स्टार्ट हो जाएगा। पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो कि अभी कुछ ही लम्हों बाद या कुछ देर बाद जो है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन मैच से पहले ही कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोस आ रही हैं जो वाकई काबिले तारीफ हैं, स्पेशली द हॉस्पिटैलिटी ऑफ इंडिया एंड इट इज इनक्रेडिबल जो कि जिस तरह वो प्लेयर्स को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और हमने पहले भी वीडियोस में देखा कि प्लेयर्स जो रेस्टोरेंट्स में जाके, पाकिस्तानी प्लेयर्स खास करके, उनका ख्याल रखा जा रहा है उन्हें रेस्टोरेंट्स में, जिस तरह वो एंजॉय कर रहे हैं। और आज की वीडियो भी एक बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि उसमें हम ये देखेंगे कि बाबर आजम जो है वो हैदराबाद से अहमदाबाद जब फ्लाई करा है उन्होंने, तो उसमें उन्हें किस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हो चल के वीडियो देखते हैं, जिसे क्रिएट किया है पाकिस्तान क्रिकेट यूट्यूब चैनल, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू विजिट हिज चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन द ओरिजिनल लिंक्ड वीडियो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्ट्रेट जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग इट। एंड भाई वाह क्या बात है, मतलब प्राइवेट जेट में जो है वो कैप्टन को लेके जाया जा रहा है फुल शश के, फुल प्रोटोकॉल के साथ। और जिस तरह से बाबर आजम ने भी अपने आप को कैरी किया हुआ है, जो उनकी ड्रेसिंग थी, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव जो है वो वाइब्स दे रहा है कि वो भी बहुत कहते ना पुर उम्मीद है इस टूर्नामेंट को लेकर। और उसके साथ ही साथ जिस तरह वो ग्राउंड स्टाफ के साथ, जो उनके साथ गार्ड्स थे उनके साथ, वो पिक्चर्स जो है वो क्लिक करवा रहे हैं, उनका वेलकम बहुत जबरदस्त मुझे लगा। खास करके वो जो ट्रेडिशनल वे में उनको अहमदाबाद, आई थिंक राजस्थान में ही आता है, तो वहां का जो उनका ट्रेडिशनल उनके ड्रेसेस होते हैं जैसे चादर वगैरह, वो उनके कंधे पे डाली गई। और सब जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे पाकिस्तान में भी हम सब इंडियन प्लेयर्स को बेहद पसंद करते हैं, उन्हें प्रेज करते हैं। और यकीनन अगर ये मौका कभी पाकिस्तान को मिला तो शायद इससे भी बढ़ के जो है वो वार्म वेलकम देखने को मिले। लेकिन अभी जो इंडिया में हम देख रहे हैं वो हैट्स ऑफ टू इंडिया, मतलब जिस तरह वो प्लेयर्स को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, प्राइवेट जेट में जो है वो कैप्टन को लेके जाया जा रहा है, मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल। अरे हम सोच भी नहीं सकते हमारे अगर मुल्क में हम बात करें पाकिस्तान में, कि प्लेयर्स को प्राइवेट जेट दिए जा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क में किसी प्लेयर के पास प्राइवेट जेट भी होगा, आई डोंट थिंक सो। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन ये प्रोटोकॉल मिला खास करके कैप्टन को दिया जा रहा है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैप्टन होने के कुछ जो है वो बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो अभी जो है वो बाबर आजम बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एंजॉय करते करते ये नहीं भूल जाए कि मैच जो है वो अब बहुत ही करीब है और बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना है, क्योंकि जिस तरह से डिसअपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तानी फैंस को, खास करके अभी एशिया कप में, वो इस टूर्नामेंट में ना देखने को मिले। और सारी टीम अच्छा खेले, अच्छे मैचेस हो, हम यही चाहते हैं, और वही टीम जीते जो बेस्ट परफॉर्म करे। और खास करके इस वीडियो के एंड का जो क्लिप था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को छुआ कि रोहित शर्मा जो है वो खुद मिले, ऑल्दो वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। और यहाँ जो है वो सब कैप्टन जो है वो इकट्ठा हुए थे, आई थिंक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और एक छोटी सी सेरेमनी थी, पिक्चर क्लिक हुई थी।
लेकिन जो वार्म वेलकम जो है वो उन्होंने रोहित शर्मा ने बाबर आजम का किया, और जिस तरह से वो गले मिले उनसे वो देख के बहुत अच्छा लगा। सो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ इस पर अपने रिएक्शन और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स में अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि और कौन सी वीडियो पे आप लोग मेरा रिएक्शन और ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहते हैं। सो गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।